पंचायती चोणां नूं लै के हाई कोर्ट दीआं अहम टिप्पणियां क्या मामूली कारणां करके नामजदगियां रद्द करना पूरी तरह गलत लोकां दी विश्वास बहाली दे लई चोण प्रक्रिया दा पारदर्शी होना जरूरी विदरवाहा च सुखबीर सिंह बादल ते राजा वड़िंग ने पंचायती चोणां नूं लै के कीता प्रदर्शन अफसरां दी भूमिका ते चुके सवाल तां आम आदमी पार्टी बोली सूबे दे अफसरां नूं ना बनाओ सियासत दा हिस्सा कुल्लड़ पीजा वाले जोड़े नूं निहंगा दी धमकी क्या पग दे नाल वीडियो बनाउण दे नाल हुंदी है कौम दी बदनामी ना मन्या सहज तां भुगतेगा नतीजा लुधियाणा च पति ने बेरहमी दे नाल पत्नी दा कीता कतल बैल्ट दे नाल कुट कुट के उतारिया मौत दे घाट ब्याह च जाण तों मना करन ते पड़के ने वारदात नूं दित्ता अंजाम फरीदकोट दे पिंड हरिनौ च होए कतल दी सीसीटीवी आई सामने गुरप्रीत ते फायरिंग करके भजदे दिखे बदमाश पुलिस ने एसआईटी दा कीता गठन परिवार ने मुलजमां दी गिरफ्तारी तक संस्कार न करन दा कीता ऐलान बीएसएफ ते पंजाब पुलिस दा नशे दे खिलाफ वड्डा एक्शन तरन तारण च बॉर्डर दे नेड़ेओं 12 किलो तों वध हैरोइन बरामद पीले रंग दीआं बोतलां च पाई सी हैरोइन दिल्ली च पुलिस ने एक गोदाम दे विचों बरामद कीती 200 किलो कोकीन 2000 करोड़ रुपए दसी जा रही कीमत पिछले हफ्ते भी 5000 करोड़ दी ड्रग कीती सी जब्त अज इकट्ठिया मनाई जा रही अष्टमी और नवमी श्रद्धालुओं के वालों घर की जा रही कंजक पूजन श्रद्धा के नाल धोए जा रहे निक्कियां कंजकां दे पैर सत श्री अकाल समय के बुलेटिन च स्वागत है मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू शुरुआत करदे बुलेटिन की नामजदगियां रद्द होण ते हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया तां हाई कोर्ट ने दस दिए कि अहम टिप्पणियां कीतियां ने चोण प्रक्रिया उन्होंने कहा है कि पारदर्शी होनी चाहिए लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है और वोट देना संविधानिक नहीं कानूनी अधिकार भी है हाई कोर्ट का भी कहना कि कुछ उम्मीदवारों की मामूली कारणों करके नामजदगी रद्द हुई तो मामूली कारणों करके नामजदगी रद्द करना गलत है नामजदगियां रद्द करके एक नूं जेतू करार देना लोकतंत्र का कतल है चाहे एक ही उम्मीदवार मैदान दे विच होवे तां वी नोटा दा बदल है चोण होनी चाहीदी है हाई कोर्ट ने यह किया है तो बुधवार नूं 206 पंचायतां दीआं चोण ते दस्सिए कि कोर्ट ने रोक लगाई और कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक यह रोक लगाई है तो 206 पंचायतां यानी कि 206 पिंड अजिहे ने जिथे कि पंचायतां दी जिहड़ियां चोणां ने 15 अक्टूबर नूं जिथे वोटिंग होनी सी उत्थे नहीं होएगी 16 अक्टूबर तक ये रोक लगा दी गई है उस तो बाद दी कोई तरीक जी अगे दी जाए ये अगे वखरा मसला है पर फिलहाल 16 अक्टूबर तक इतनी चोण नहीं होएगी और मामला उस वेले ज़्यादा असं कह सकते तूल फड़िया है जो इकट्ठे ही इन्नी वड्डी गिनती पटीशना कोर्ट तक पहुंचिया ने तो उमेश शर्मा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर ने उमेश डिटेल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है अपने आप के बेहद अहम टिप्पणियां ने जो कोर्ट ने कीतियां ने की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है देखो डिटेल ऑर्डर ये आया जे रोक लाई गई थी और जो टिप्पणियां आप देखिए तो कोर्ट ने काफ़ी अहम टिप्पणियां कीतिया ने कुछ पॉइंट्स कोर्ट ने रेज किए ने और साफ कहा कि एक तो सब तो वड्डी गल है कि कोर्ट ने सबसे वड्डी गल कही कि लोकतंत्र ढांचे वोट पाना ते चोण लड़ना सब का अधिकार है और जिते तक गल करिए वोट पाना एक कानूनी अधिकार है और ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 206 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 250 200 ਪੌਣੇ 300 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਖ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ 16 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ 300-400 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ
जी बिल्कुल अज ही सुनवाई होएगी क्योंकि डेली वकेशन बेंच बैठती है जिदा डेली पटीशन लग रही थी कल भी जी लगी थी पटीशन वो भी अज सुनवाई होनी है क्योंकि ऑर्डर की वेट की जा रही थी क्योंकि जो एक बेंच कोई ऑर्डर पास करती है तो दूजी बेंच उस ऑर्डर का वेट करती है अज भी 300-400 पटीशन के करीब सुनवाई होएगी कल जी पटीशन सगिया 100 तो ज्यादा वो भी अज सुनवाई होएगी तो तुम देखो कि पटीशन से पटीशन घट्टो घट हाई कोर्ट में 500-700 पटीशन जे मैं कह मोटे मोटे तौर पर इकट्ठिया हो चुकी 500 तो ज्यादा इकट्ठिया हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो कुल मिला के अपडेट जी है वो इस मामले ना संबंधित या कह लिए कि पंचायती चोणों के ना संबंधित है कि 300 तो 400 पटीशन होर दसिया जा रही ने जिसनों लैके अज सुनवाई संभव है। जिक्र करते हैं पंचायती चोणों नूं लैके पंजाब दे विच मचे घमसान दा तां जिसनूं लैके कांग्रेस ते अकाली दल ने मुक्तसर साहिब अते गिद्दड़बाहा दे विच धरने लगाए जिस ते आम आदमी पार्टी दे आगू बब्बी बादल ने पलटवार कीता। पंचायती चोणों नूं लैके घमसान रुकण दा नां नहीं लै रहा। विरोधी धिरां ने चोणों च धक्केशाही दे इल्जाम ला के मोर्चा खोल दिता है। श्री मुक्तसर साहिब च कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सूबा कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई च वर्करा ने SSP दफ्तर के बाहर धरना ला दिता। राजा वड़िंग ने प्रशासन से धक्केशाही करन दे इल्जाम लाए। नामजदगी पेपरों नाल छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी ते इंसाफ लई अदालत जाने की भी गल आखी। उधर अकाली दल भी पंचायती चोणों च धक्केशाही के खिलाफ सड़कों से उतरिया। गिद्दड़बाहा SDM दफ्तर के बाहर अकाली दल वालों धरना लाया गया जिस दे विच सुखबीर सिंह बादल ने उम्मीदवारों नूं सुनेहा दिता ते कहा जिन्हां दे भी पेपर रद्द होए ने वह चंडीगढ़ च अकाली दल दे दफ्तर पहुंचण। होया सम्माणा होया सनौर होया कनौर होया पटियाला रूरल होया कोई ऐसा उत्थे दा कागज ही नहीं भरन दित्ते मां दे शेरां ने और अफसर उन्हां दे घरां च बह गए। इतने जिहड़ियां असीं हुण एप्लीकेशन दित्तियां इन्हां ते इन्हां ने नंबर ला लिया तुसीं मिस्टर SP नूं मार्क करती हैं उन्हां ते नंबर लाता है ते मैं आख्या जी इनकुआरी ते पड़ताल कर लो सारे असीं वक् वक् SSP साहब नूं मिलने हैं फोर्जरी इन्हां ने दस्तखत किए साढ़े कागज खुरद बुरद किए DC मुक्तसर ते SDM गिद्दड़बाहा ते असीं और RO साहिबानां ते परचा करा के दम लैना है। इस तों बाद जे इन्हां ने कोई कार्रवाई ना की इन्हां दे खिलाफ़ भी धरना लावांगे ते कोर्ट दा भी रोक करांगे क्योंकि साडा हक है कि फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट ते परचा दर्ज होना चाहिए। पंजाब दे विच सरपंची इलेक्शन होए ते तुसीं कहो कि 4000 सरपंच चुने गए हो ही नहीं सकता 2-4 ऐजे होण ते ठीक है तुसीं 40-40 हज़ार एप्लीकेशन रद्द कर दिंदे हो ते सरकार ऐ इलेक्शन होणगे ते मैं तां सारयां नूं बेनती करदा जिन्ने भी लोगों के कागज रद्द होए या किसी भी पार्टी का होए श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर पहुँच जाओ तुम जिनी छेती पहुँचोगे अपने कागज लेके आ जाओ साड़ी लीगल टीम उत्थे दफ्तर बैठी है अज भी असी 100 पटीशन पाई हैं। इस विरोध प्रदर्शन विचाले आम आदमी पार्टी का पलटवार भी सामने आया। पार्टी के आगू बब्बी बादल ने सुखबीर बादल नूं घेरन दे नाल नाल कांग्रेस से भी सवाल चुक दिते। तनखाइया करार है अजे तक जिहड़ियां धार्मिक परंपरावां ते रीति समाजिक रीति रिवाजां नूं मुख रखदे होए इहो जिहे कठां च तुहानूं जाण दी आग्या नहीं है। दूजे नंबर ते तुहानूं इह बेनती है कि जिहड़ा रंग सियासत दा तुसीं अफसरशाही ते पिछले 15 साल सरकार दौरान चढ़ा गए सी और जो कांग्रेस ने चढ़ाया है उहनूं सैट करदे करदे सानूं 2.5 साल लग गए ने। सो किरपा करके अफसरां नूं धमकियां देनियां अफसरशाही नूं राजनीति दा अंग बनाउणा। काबले गौर है कि पंचायती चोणां दा इह मामला हाई कोर्ट दी चौखट ते वी पहुंचिया होया ते बीते दिनी हाई कोर्ट ने अदालत आउण वाले 270 पिंडां च पंचायती चोणां ते रोक ला दित्ती है ते इस सब दे विचाले विरोधी धिरां वी धरने ला रहियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अगे वधांगे तां वड्डी खबर है लुधियाना दे विच पति ने पत्नी दा कतल कर दिता बैल्ट दे नाल कुट कुट के उसनूं मौत दे घाट उतारिया है। व्याह दे विच जाण तों मना करन ते वारदात नूं अंजाम दिता गया। दस दईए कि वारदात तों बाद कातल पति मौके तों फरार हो गया तां पति ने पत्नी नूं बच्चियां दे नाल व्याह जाण दे लई कहा सी
पत्नी ने नरातियां दे चलदे मना कर दिता। वार वार मना करन ते पति भड़क गया, उसने कुटमार कर दिती। तां बुरी तरह कुटमार दे चलदे महिला की मौत हो गई है। 12 साल पहला दोवां दा विआह होया सी। मृतका दे परिवार ने थाने दा घिराओ कीता है, कार्रवाई की मांग की है। और महिला दे पेकियां दे मुताबिक विआह दे 2 साल बाद तो ही उन्हां दे जवाई दे वल्लों लड़की नूं तंग परेशान किया जाता सी ते कई बार कुटमार भी की जाती रही है। तो यह तस्वीरां उन्हां दीआं दिखा रहे हैं। इत्थे पासे इह ओह जोड़ा है, पत्नी है जिसकी मौत हो गई है, जिसका कतल किया गया है उसके ही पति दे वल्लों। और मसला कोई बहुता वड्डा नहीं सी, मसला सी कि पत्नी नूं विआह दे विच जाण लई कह रहा सी, पर जेकर उसने मना किया उसकी बुरे तरीके दे नाल कुटमार कर दी और इतों तक नौबत आ गई कि उसका कतल कर दिता, यानी कि उसकी मौत तक हो गई। तो परिवार के वालों इंसाफ मंगया जा रहा। पेका परिवार ने थाने का घिराव किया है और ये पति पत्नी दोवां की तस्वीर भी तुहानू दिखा रहे हैं। 12 साल पहला विआह होया सी, बच्चे ने और बच्चों के समेत पति कह रहा सी कि विआह दे विच जाना चाहिए है, पर पत्नी ने मना कर दिता। जिस तों बाद इस गल नूं लैके इन्ना ज़्यादा तैश दे विच आया पति कि उसने कतल कर दिता और मौके तो फरार हो गया है, यानी कि मुलजम फरार है। मैंने दसिया कि पापा ने उन्हें विआह ते जाण नूं तैयार किया सीगा, उन्हें विआह तो जाण नूं मना कर दिता, इसलिए फिर उन्हें वह बैल्टां नाल जिवें कुट्टन लग गया तो वह नीचे गिर गई तो मुँह चों झग जी निकल आन लग गई जिवें। हाँ जी, हाँ झग आन लग गई उन्हें, बहुत बुरी तरह जिवें कुट्टिया उन्हें। दस उन्हें यही गल सानूं कही है कुड़ी बेटी ने। तो परिवार का बयान है, परिवार के जिहड़े मैंबर ने, महिला है उसके वालों दसिया गया है कि जिहड़ी बेटी है इस जोड़े की, यानी कि इस महिला की जो बेटी है उसने सारा घटनाक्रम दसिया कि होया किसी घर के विच, क्योंकि बच्चों के वालों दसिया गया है कि आखिरकार किस तरीके नाल इस पत्नी नूं कुट्टिया गया है, बैल्टां दे नाल कुट्टिया गया है। अंदाज़ा लाया जा सकता है कि इस बेरहमी दे नाल इस पति दे वल्लों तशद्दुद पाया गया है अपनी ही पत्नी ते, और उसने बैल्टां दे नाल कुट कुट के उसनूं अध बरा कर दिता, जिस तों बाद वो हेठां डिग जांदी है परिवार के मुताबिक, जिस तों बाद उसकी मौत हो गई है। यानी कि ये हालात बन गए ने और ये अजिहे घटनाक्रम कई बार सामने आते हैं। घर के मामूली गल्लां हुंदियां ने, छोटियां छोटियां गल्लां ने, छोटे छोटे मसले ने जिसनूं लैके वड्डी वारदात नूं अंजाम तक दे दिता जांदा है। अगे वधांगे, हुण गल करदे आं कुल्लड पिज़्ज़ा कपल दी। वीडियो पाउण नूं लैके निहंग सिंघां ने सहज अरोड़ा नूं चेतावनी दित्ती है ते 3 दिन बाद मुड़ आउण दी गल आखी। ये थोड़ी बनानी आती है, मैं पाकिस्तान का नक्शा ही बना दूंगा। और ये चीज़ फुल आप देख सकते हो, ये तुम शादी से पहले ही 7 साल से ये काम कर रहे हैं, जनता से इतना प्यार मिल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। पिज़्ज़ा बन सोशल मीडिया ते वीडियोस पा के एक्टिव रहन वाला कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल मुश्किल च गिर गया। वीडियो पाउण नूं लैके निहंग सिंघां ने विरोध जताया ते वड्डी गिणती च निहंग सिंह जलंधर च कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल दी दुकान दे बाहर पहुंचे, वीडियो पाउण नूं लैके सहज अरोड़ा नूं धमकी दित्ती ते कहा कि जे सोशल मीडिया ते वीडियो पाउणी है तां पग नूं उतार के रख देवे, साडे तों कौम दी बदनामी देखी नहीं जांदी। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸੱਦ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਿਖੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਥੇਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੀਕਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਕਣ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੜ ਪਿਜ਼ਾ ਕਪਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
जिसते हुण निहंग सिंघां ने इतराज जताया ते उधर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिता है। जलंधर तो राघव जैन न्यूज 18। उधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार हुई है। लुधियाना पुलिस ने हनी सेठी नूं दस्सिया कि गिरफ्तार किया है। महिला की तस्वीर दे नाल छेड़छाड़ करन दा इल्जाम लग्या है। महिला के बारे दस्सिया कि इतराज़ भाषा वरतन का इल्जाम लग्या है। हनी सेठी से महिला ने परेशान करन दे इल्जाम लगाए ने। विदेश दे विच बैठी अवी सिद्धू दे नाल हनी सेठी के संबंध ने अवी सिद्धू के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस का यह कहना है अवी सिद्धू से भी महिला की तस्वीर के नाल छेड़छाड़ करन दा इल्जाम लग्या है। तो सोशल मीडिया के मशहूर इन्फ्लुएंसर जिसनों गिरफ्तार किया गया। मैं इन्हों का वकील हाँ। इनू बदनाम करने लिए अश्लील शब्द वरते गए, अश्लील इदियां फोटोआं नूं कट वट करके उन्हों कंप्यूटर दे विच्चों एडिट करके फेसबुक ते पाईआं गईआं, मीडिया ते पाईआं गईआं, जिहदे नाल इहदी बदनामी की गई है। एंड कंप्यूटर दे विच्च जिहड़ी नॉलेज हुंदी जिहड़े बंदे नूं, उहने उस मुताबक इस लड़की नूं बदनाम करन लई उहनूं एडिट किया कंप्यूटर दे नाल छेड़खानी करके। कंप्यूटराइज जिहड़े तरीके नूं करन दे नाल उहदे नाल आई टी एक्ट दा केस धारा लगियां ने। बाहर बैठे विदेश च बैठा भी जिहड़ा अवी सिद्धू आ, वह भी ये खिलाफ बयानबाजी करता पाया। तो इतने एक मुलजम पकड़िया गया, ये अवी सिद्धू किया गया सी, हनी सेठी किया गया सी। जानते हैं जी, दोनों एक दूजे रल के फेसबुक से वो करके बयानबाजी इकट्ठे करते हैं। एंड एक दूजे के जो कमेंट होंगे ने उन्होंने अगे फॉरवर्ड करते हैं, जो कोई पोस्ट पाँगा उन्होंने शेयर करते हैं। 467 का होया जी, आई टी एक्ट का होया जी, और बाकी धारा लगिया ने। उधर न्यूज 18 ते मूसेवाला की कुंडली पढ़न वाले ज्योतिषी पहला ही आख्या सी कि मूसेवाला की मौत होएगी और भविखबाणी उन्होंने की सी। सिद्धू मूसेवाला पहला ही आगाह किया गया सी, 10-15 दिन ठीक ना रहन बारे कहा गया सी। ज्योतिषी ने कहा है मूसेवाला जन्म स्थान छड्डन की सलाह दी गई सी और बग्गा दे नाल वैसे ही एक गल शेयर कर ली सी। ज्योतिष का यह कहना है, दस दिए कि तजिंदर बग्गा दे वल्लों ये जिहड़ा है एक टीवी शो के जिक्र किया गया, जिस तों बाद मसला उठा है और हुण न्यूज 18 ते अपनी गल रखी है ज्योतिष। उनकी कुंडली, उनका हॉरोस्कोप देखकर हमने सिर्फ ये कहा था कि आपके लिए अगले 15 से 20 दिन, जैसे वो 7 मई 2022 को हमारे पास आए थे कि अगले 15 से 20 दिन आप अपनी बर्थ लैंड पे मत रहिए। अच्छा। कि कोई बड़ी घटना या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपको नुकसान होगा काफी, ठीक है, तो आप अपनी बर्थ लैंड छोड़कर चले जाइए। तो सिद्धू भाई ने ये बोला था कि भाई 6 जून को तो मैं जा रहा हूँ, मैं काफी लंबे समय के लिए विदेश जा रहा हूँ, काफी लंबे समय के लिए। और 4 जून को उनका कोई गुड़गांव में शो था और शायद उनको उन्होंने ये बात मानते हुए 10 या 11 मई को वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, 10 दिन या 2 हफ्ते के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि जैसे वो विदेश जाने का उनका प्लान था, तो वो विदेश जाने से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले वो अपने माँ बाप के साथ और गांव वालों के साथ समय बिताना चाहते थे, समय गुजारना चाहते थे, तो इसलिए वो घर वापस आए थे। सिद्धू जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे, उन पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी, उनकी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी, उन पे FIR वगैरह हर महीने एक या दो FIR हो रही थी, तो वो इस बात को लेकर परेशान थे। तो उन्होंने बस ये उनका पहला और मेन सवाल ये था कि भाई ये जो फेज़ है कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे साथ जोड़ दी जाती हैं, या इतने मतलब कि जो FIR हैं वो मेरे पे 1 या 2 FIR हर महीने हो जाती है, तो ये जो फ्रेम है कब खत्म होगा, टाइम फ्रेम कब खत्म होगा, इसी चीज को लेकर वो पहुंचे थे आपके पास कि जो पीजे काफी जो है विवादों में रहे हैं, काफी चीजें उन पर क्योंकि गानों को लेकर या काफी विवादों में वो रहते। जी जी, बस जब हमने उनकी कुंडली को पढ़ा, जब चार्ट देखा, तो चार्ट में सिर्फ यही डीकोड कर पाए कि उनके लिए उनके जो बर्थ लैंड है वो बहुत कार्मिक है, मतलब वो कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट कर सकती है उनके लिए, तो उनको एज अ उपाय और हर एक चीज को साइड पे रखते हुए सिर्फ एक ही बात पर मतलब प्रेशर दिया गया है, मतलब एक ही बात पर, मतलब कि उनको बार बार हम आ गए कि आप बाहर चले। गलबात की है रुद्रकरण प्रताप सिंह ने, ज्योतिष जिन्हों के वालों ये दावा किया गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने तजिंदर बग्गा के नाल गल जी है सांझी जरूर की, एक दफा
जिस तो बाद उन्होंने इसका जिक्र किया टीवी शो के हूँ यह मुद्दा उठाया है। पर दूसरे पास सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह बलकौर सिंह की इसनों लैके स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि पौने तीन साल बाद अजिहा क्यों याद आया है इस मसले को इस तरीके उठाना या फिर इस बारे गल करना, तो उन्होंने कितने ना कि टाइमिंग लैके सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जेकर कुछ अजिहा सी तो परिवार के नाल जरूर साझा करता सिद्धू मूसेवाला और उसका कोई असी हल कढ़ दे, पर अजिहा नहीं होया। तो 29 मई को दस दिए कि कतल कर दिता गया सिद्धू मूसेवाला का। उधर फरीदकोट के पिंड हरी नौंद विच होए कतल दियां सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने, जिस दे विच फायरिंग तो बाद शूटर भजदे होए नजर आए ने। साढ़े अठ सौ रुपए करतियां मौजा फुल लाते तेरे लांबे गाहक हुंदा रब दा रूप ते असी करदे आं उहदी बड़ी इज्जत ना भेजिया होवे तीन साल दे विच आ जा फिर तैनूं अज मौजा करा दिंदे आं मौजा की कहिंदे मौजा होगा 2000 दा हैं 850 रुपए। गुरप्रीत सिंह जिहड़ा कि टोक ना दे आईडी चलाउंदा है उसका घर किहड़ा है, तां उस तों बाद गोलियां मारनियां शुरू कर दिंदे जो गुरप्रीत सिंह इक चोन प्रचार करन तों बाद ऑडियो गलत जा रही है। अगे वधदियां इस तों बाद गल करांगे नौमी और अष्टमी की, जो एको दिन है। अज शारदिया नरात्यां की अष्टमी और नौमी देश भर दे विच दसी कि कंजक पूजन हो रहा है। श्रद्धा के नाल निक्कियां कंजकां दे पैर धुआए जा रहे हैं और वख वख थावां दे विच साडे सहयोगियों के वलों सवेर वेले दियां रौनकां श्रद्धालुआं की आमद दियां तस्वीरां साडे तक पहुँचाईआं गईआं ने। देखते हैं देश भर के कंजक पूजन किया जा रहा है, श्रद्धा के नाल निक्कियां कंजकां दे पैर धुआए जा रहे हैं और ये तस्वीर तुहानूं वख वख मंदरां दियां दिखावांगे। खास तौर पर जेकर गल की जाए तो अज के दिन कंजक पूजन हुंदा है और विशेष पूजा हवन कन्या भोज जागरण किए जाते हैं। कई थावां ते माँ गौरी की पूजा की जाती है, देवी विसर्जन और दशहरा जिहड़ा है इस बार 12 अक्टूबर यानी कि कल नूं मनाया जाएगा और अष्टमी ते देवी चमुंडा रूप दे विच प्रगट हुई सी अते नामी नू महारूप दे विच देवतावां नू दर्शन दिते सन। इस दे लई ये जिहड़ियां तरीकां ने तिथियां ने खास मनियां जांदियां ने और इन्हां तरीकां ते शक्तिपीठां दे विच देवी दी महापूजा ते शिंगार हुंदा है, कन्या पूजन भी किया जांदा है। तो देवी शक्तिपीठां दे विच नवरात्रे दी जिहड़ी अष्टमी है अते नौमी है उसे देवी दी महापूजा हुंदी है, देवी दा अभिषेक किया जांदा है, फुल्लां ते जिहड़ी होर समग्री है उस दे नाल देवी नूं खुश किया जाता है, अर्चना की जाती है। इन्हां तिथियां ते चंडी पाठ अते हवन भी किया जाता है और तंत्र शक्तिपीठां ते बलि भी दिती जाती है, जिसका जिक्र पटियाला दे विच जो काली माता मंदिर है उसनूं लैके साडे सहयोगी कर रहे सन। खास दिन है तो श्री देवतला मंदिर विच देख सकते कि सवेर तो ही रौनकां लगियां होईआं, श्रद्धालु जिहड़े कि है नतमस्तक होने लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि पहला हर कोई अपने घर में कंजक पूजन करता वै क्योंकि कंजकों को पूजा जाता वै तो उस तो बाद मंदिर वाल जिहड़े कि पहुँचते हुए नज़र आ रहे, इस करके हजे थोड़ी लाइन घट है पर सवेर तो ही ये जिहड़ी लाइन है टुटती हुई जिहड़ी कि नज़र नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह रूटीन होंगी कि पहला मंदिर जाना उस तो बाद अपने जिहड़े दूजे कामकाज करने। तुहानूं दस दें कि इस जगह पर तीन माता की जिहड़ी कि है प्रतिमा जिहड़ी कि मौजूद है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी ते माँ शेरावाली की। तुहानूं दस दें कि पूरे पंजाब विच जलंधर विच स्थित देवतला मंदिर इकलौता जिहड़ा शक्तिपीठ हैगा वी जिथे माँ तिरुपरमालनी का जिहड़ा कि दरबार सजिया होया वै। तस्वीरां देख सकते हो कि सवेर तो ही जिहड़े भगत जिहड़े कि इत्थे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं ते
माता का जोड़े की है नतमस्तक हो रहे हैं। तुम देख सकते हो कि सवेर के जोड़े पंडित जोड़े है अपने जोड़े काम करते पे है, जो सवेर की जी प्रक्रिया होंगी है वो जी की होंगी पी है, क्योंकि पूजा की जी हिसाब से जी की है तैयारी जी की होंगी हुई नज़र आ रही। दूजे पास छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आते पे जोड़े की है नतमस्तक होने जोड़े कि मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तो दूजे पास सवेर तो ही जी लाइन लगी हुई है तो टुटती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अज का दिन बेहद खास है। हर कोई अपने घर में कंजक बिठाता वै, उन्हों पूजा करता वै, तो एक मनोकामना मंगता है ताकि उन्होंने जी की है जी कोई इच्छा वै वो जी कि पूरी होंगी है, क्योंकि अज का दिन बेहद ही खास है। क्योंकि हुण आने वाले दिनों वक् वक् जो त्यौहार जो कि आने शुरू हो चुके, क्योंकि जो एक बार त्यौहार की झड़ी लगती है उस तो बाद अलग अलग त्यौहार जोड़े कि आने हुए जोड़े कि है नज़र आते हैं। कैमरामैन दीपांशु के नाल मैं राघव जैन, न्यूज 18 पंजाब जलंधर। अष्टमी के पावन दिहाड़े मौके मंदिरों के खास रौनक देखने को मिल रही है। इस वेले असी अमृतसर के माता शीतला मंदिर के और तुसी देखो कि जेड़े श्रद्धालु ने वह सवेर वेले इस मंदिर के नतमस्तक होने के लिए पहुंचे ने और लंबिया कतारा जड़िया ने वह पूरा दिन अज इस मंदिर के नजर आनगिया। तो यह दुर्गियाना मंदिर के बिल्कुल नाल स्थित है माता शीतला मंदिर, जिथे के हर साल दरातियां दे विच खास रौनक जिहड़ी है वह देखने मिलती है। तो जिथे अष्टमी के मौके लोग कंजक पूजन करते हैं तो उत्थे ही अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के ही बिल्कुल नाल स्थित श्री बड़ा हनुमान मंदिर, जितों की एक बिल्कुल वक्री आस्था है। तो उत्थे हर साल इन्हां नरातियां दे विच लंगूर मेला लगाया जाता है। तो इस मंदिर तो ठीक जदों असी बाहर निकलते हैं तो यह रस्ता जिहड़ा है वह श्री बड़ा हनुमान मंदिर वाले पासे जाता, जिथे कि वड्डी तादाद दे विच तुसी देखो कि छोटे छोटे बच्चे जो ने उन्हां नूं लंगूर बना के जो है इस मंदिर दे विच मत्था टिकाया जाता। तो इस मंदिर की एक अपनी आस्था है कि जदों मापे इस मंदिर दे विच सुखना सुखते ने तो उन्हां दे घर दे विच संतान प्राप्ति होने तो बाद उस नूं पूरा हफ्ता यानी कि सारे नराते जिहड़े ने उस बच्चे नूं लंगूर बनाया जाता है और दशहरे वाले दिन इस मेले की जिहड़ी संपूर्णता है वह हुंदी है। और यह रस्ता जिहड़ा है वह हनुमान मंदिर वाले पासे जाता, जिथे कि तुसी देख सकते कि लोग जिहड़े ओ मंदिर वाले पासे मत्था टेकन भी जाते हुए नजर आ रहे और बहुत वड्डी तादाद दे विच लोग मंदिर तो मत्था टेक के बाहर निकलते भी नजर आ रहे ने। तो जिथे इन्हां नरात्यां दे विच वक् वक् जिहड़े माता दे रूप ने उन्हां दी पूजा की जाती है। तो अमृतसर दे विच इको एक यह मंदिर है जिथे के हनुमान जी दी जिहड़ी सेना है उस दे रूप दे विच बच्चे होण या नौजवान तो वह सारे हनुमान जी दे उस सरूप दे विच नजर आउंदे ने। तुसी देखो कि बहुत वड्डी गिणती दे विच लोग जो ने वो अपने बच्चियां दे नाल इस मंदिर दे विच मत्था टेकण दे लई पहुंचदे होए नजर आ रहे ने। तो यह श्री बड़ा हनुमान मंदिर है जिथे तुसी देखो कि मापे अपने छोटे छोटे बच्चियां दे नाल और बच्चियां दे जिहड़े पहरावा तुसी देख सकदे होवोगे के लंगूर दी वेशभूषा दे विच सारे जिहड़े बच्चे ने ओ दिखाई दे रहे ने। अगे वधदे हां तां डीजीपी पंजाब दी नवी पहल वेखण नूं मिली है। पब्लिक दे नाल डीजीपी ने संवाद रचाया है। मोहाली 11 फेस ते लोकां दीआं दस्सी कि मुश्किलां सुनियां ने, मौके ते ही कई समस्यावां दा उन्होंने निपटारा किया है। मोहाली दे विच 200 पुलिस मुलाजमां दी तैनाती वधाई गई है। संवेदनशील इलाकियां नूं लै के पुलिस हिदायत कर दित्ती गई है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वेखण ते क्राइम मैपिंग दे निर्देश दिते गए। संवेदनशील थावां ते सीसीटीवी कैमरे वधाउण दे निर्देश दिते। ए एरिया असीं प्रायोरिटाइज करने हैगे कि सीसीटीवी जिहड़ी हैगे कैमरे एक चंगी पत्तर ते मोहाली शहर दे विच असीं लवावांगे। असीं यह डिस्कस किया कि जिहड़ा ए क्राइम का साडा चैलेंज है इसनूं तुसीं स्ट्रीट क्राइम कह दो पेटी क्राइम कह दो, जिहड़े आम बंदे नूं इह स्ट्रीट क्राइम सब तो ज़्यादा इफेक्ट करता। एक स्टेट लैवल ते स्ट्रैटेजी बना रहे स्ट्रीट क्राइम नूं किवें असीं कॉम्बैट करें। असीं चाहुंदे हां भी सानूं एक गेट जिहड़ा हैगा 24 घंटे वास्ते बंद करन दी प्रवानगी दे दित्ती जावे। असीं अपना दूसरे गेट दे उत्ते अपना सिक्योरिटी गार्ड रख के 24 घंटे वास्ते असीं उत्थे एंट्री पा दिए, जिहदे नाल
कोई भी जिहड़ा हैगा इस तरह का गलत अंसर जिहड़ा हैगा उस महल्ले दे विच दाखल नहीं हो ना कुछ स्नैचिंग हो। सब तो पहले तो सानू अपने एरिए क्राइम का सानू पता करना भी किस तरह का चैलेंज असी फेस कर रहे हैं। जिथे ते असी गेटेड एरिए असी टोटली एनक्लोज कर सकते हैं तो उस दे विच एंट्री ते एग्जिट रेगुलेटेड होगा। सो कितने पुलिस के जिहड़े साडे बीट कॉन्स्टेबल इनफैक्ट मैनूं लगता है कि सानू बहुत एक वड्डे तरीके नाल बेंच सिस्टम इतने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो नैचुरली अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक एरिए के मुताबिक कि उस इतने बीट स्टाफ लाया जाए जिहड़े थोड़े नाल आ के रूबरू भी हों। देखो एक